मन सब नबीयन फ़क्तुलूहु, मन सब नबीयन फ़क्तुलूहु, जो के बारे में कोई गुस्ताखी करे तो हम मुजम्मत मुजम्मत से ही ज़िंदगी गुजारेंगे, हम मुजम्मत मुजम्मत पर ही अपना ईमान बचाते रहेंगे। नहीं, एक हाथ में तलवार लेकर उस बंदे का सरतन से जुदा करना पड़ता है जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे। करना है तो जिसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है तो फिर उस बंदा को जहन्नम तक पहुंचा दो। उस बंदे का इस दुनिया में कोई हक नहीं है रहने का जो पैगंबर के शान में गुस्ताखी करे। कोई बोलता है हमारे पैगंबर के शान में कोई गुस्ताखी करता है सिवाय मुजम्मत मुजम्मत के अल्फाज के अलावा हम और कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام كي محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, दो तीन दिन से सोशल मीडिया पर जब देखा जाए तो हर तरफ पोस्टें हो रही है और सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है कि फुला जगह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में किसी ने गुस्ताखी की है। सबसे पहले मैं अपने मुसलमान दोस्तों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। खुदारा मेरी इस बात को समझने की कोशिश करे और मेरा ये पैगाम दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचा दे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह करना होगा कि जब भी हमारे हाथ कोई ऐसा एक वीडियो या एक ऐसी मैसेज जिसमें पैगंबर या दीनी इस्लाम या शरीयत के खिलाफ बातें हो या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें हो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी हो तो उस वीडियो और उस मैसेज को न खुद देखो और न दूसरों तक पहुंचाओ, न किसी और को दिखाओ, बल्कि जल्दी से उसे डिलीट करके उसका नाम व निशान ही ख़त्म कर दो। आज कहीं एक काफिर, एक यहूदी इंसान मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है लेकिन अजीब मंतिक के साथ उस वीडियो को दुनिया में वायरल कर देता है। वो वीडियो जो पैगंबर के शान में गुस्ताखी की बुनियाद पर बनाया गया हो, उस वीडियो को किसी एक मुसलमान के हाथ देते हैं, जब वो वीडियो एक मुसलमान के हाथ लग जाता है तो ये मुसलमान उसको ख़त्म करने के बजाय अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता है कि देखो फुला जगह फुला बंदे ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी की है। अब ये मुसलमान बिना सोचे समझे इस वीडियो को दूसरे मुसलमानों को तक पहुंचाता है और ख़बर फैलाते कि देखो फुला जगह पैगंबर के शान में गुस्ताखी हुई है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम खुद ब खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस पैगाम को हम खुद ब खुद दुनिया में पहुँचाते हैं और वायरल करते हैं। क्या ज़रूरत है किसी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस वीडियो को ख़त्म कर दो। अगर आमली काम करना है तो जिसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है तो फिर उस बंदा को जहन्नम तक पहुंचा दो। उस बंदे का इस दुनिया में कोई हक नहीं है रहने का जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करें। मन सब नबीयन फ़क्तुलूहु, जो पैगंबर को की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल किया जाता है, उसका नाम व निशान मिटाया जाता है, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। न कि आप वीडियो को फैला कर मुजम्मत मुजम्मत का नारा लगा कर उसकी मुखालिफत करते हो। हाँ बिलफर्ज आप पैगंबर के नाम पर गैरत करते हो, पैगंबर का दिफा करते हो, तो मेहरबानी करके उस वीडियो को शेयर ना करें, उस पैगाम को दूसरे तक ना पहुंचाएं, बल्कि पैगंबर का जो दिफा करना है उस वीडियो के बग़ैर दिफा करो। फिर देखा जाए हमारे दुनिया में इतने ज़्यादा मुसलमान हैं जो आपस में इख्तलाफ का शिकार बनकर आज हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई बोलता है, हमारे पैगंबर के शान में कोई गुस्ताखी करता है सिवाय मुजम्मत मुजम्मत के अल्फाज के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। कब तक हम बेदार हो जाएंगे? कब तक ये गफलत के नींद
ख़त्म हो जाएगी हमसे। आखिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना सिर्फ मुज़म्मत मुज़म्मत अल्फाज मुज़म्मत और मुज़म्मत के अल्फाजों से नहीं होता, बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने के लिए ईमान कुव्वत और ईमान जज्बा और ईमान की हरारत की ज़रूरत होती है। हाथ में तलवार लेकर उस बंदे का सर तन से जुदा करना पड़ता है जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे। और हमारे बड़े जो हजरात भी हैं वो भी किसी एक टीवी पे आकर बस कहते हैं हम शदीद अल्फाज में, क्या होगा तुम्हारे शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करने से? जितना दर्द पैगंबर को मिला है गुस्ताखी की वजह से, क्या शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करने से वो दर्द ख़त्म हो जाएगा? जिसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, जिसने मेरे पैगंबर की तोहीन की है, क्या मुज़म्मत के अल्फाज से वो तोहीन ख़त्म हो जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि मुसलमानियत और ईमान का तकाजा ये है कि जो पैगंबर के शान में गुस्ताखी करे उसको इस दुनिया से ख़त्म करके उसको डायरेक्ट जहन्नम पहुंचाया जाए। आओ मुसलमानों मिलकर एक ताकत और एक कुव्वत बन जाते हैं। दुनिया के तमाम मुसलमानों को इकट्ठा एक ताकत और एक कुव्वत बनना होगा ताकि इन कुफ्फार को इनके औकात याद दिला दे। ये लोग आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमारे पैगंबर के बारे में कोई गुस्ताखी करे तो हम मुज़म्मत मुज़म्मत से ही ज़िंदगी गुजारेंगे, हम मुज़म्मत मुज़म्मत पर ही अपना ईमान बचाते रहेंगे? नहीं, एक दिन हमें अल्लाह और रसूल के दरबार में खड़ा होना है। हमें चाहिए कि एक ताकत एक कुव्वत बनकर जो पैगंबर के ख़िलाफ़ बोलेगा उसको डायरेक्ट सीधा जहन्नम वासिल करेंगे, और जो मेरे पैगंबर के ख़िलाफ़ आंखें उठाएगा उसकी आंखें खींच निकालेंगे, और जो पैगंबर के ख़िलाफ़ बदकलामी करेगा उसकी ज़बान खींच निकालेंगे। और मिलकर जो पैगंबर के शान में गुस्ताखी करेगा, आओ मिलकर सब उसका सर तन से जुदा करने के लिए कोशिश करते हैं। मुज़म्मत मुज़म्मत के नारे से कुछ नहीं होगा, और न मुज़म्मत के नारे से हमारे ईमान का तकाजा पूरा हो जाएगा। ईमान का तकाजा तब पूरा हो जाएगा जब हम इन जालिमों और गुस्ताखों को दुनिया से डायरेक्ट जहन्नम तक पहुँचा देंगे। अल्लाह हमें अमली ज़िंदगी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके नामों से अक़दस का दिफा करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और उसकी इज़्ज़त पर और उनकी शान पर कुर्बान करे। अल्लाह ताला हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें शहादत का मौत दे दे, हमें कबूल है। लेकिन कभी भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह हमें और दिन ना दिखाए कि हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सुनते रहे और हम कुछ ना कर सके। अल्लाह या तो हमें मौत दे दे उस दिन से पहले कि हमारे पैगंबर की कोई गुस्ताखी करे और हम उसको देखते रहे, हम मुज़म्मत के नारे लगाते रहे, या अल्लाह हमें इतनी तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान कुव्वत और भी मजबूत करे कि जो पैगंबर के शान में गुस्ताखी करे तो हम इंशाल्लाह उसका सरकन से जुदा करेंगे।